सुप्रीम कोर्ट के वो सवाल जिसका जवाब नहीं दे पाया राहुल गांधी के विरोध में लड़ने वाला वकील, सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर विरोधी वकील की बोलती बंद, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए सवाल। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था, आदेश दिया कि जब तक याचिका लंबित है तब तक सजा पर रोक लगाई जाती है। सेशन कोर्ट में सजा और हाई कोर्ट से सजा बरकरार के आदेश के बाद मुश्किलों में नजर आ रहे राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिलने से कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये तो रही आदेश की बात, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ उसे जानेंगे तो कांग्रेसी और भी ज्यादा उछल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण रामकृष्ण गवई ने जब राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता गणेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से सवाल पूछने शुरू किए तो यह चुप रह गए और लगभग हर सवाल पर या तो बोलती बंद रखी या फिर घुमा फिरा कर जवाब देकर बसते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में यह साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्यों थी, जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। ये मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अदालतों ने बड़े पैमानों पर पत्ते लिखे हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्यों थी, जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। ये मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पन्ने लिखे गए, लेकिन राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई इस पहलू पर विचार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढ़ने में बहुत दिलचस्प है, उन्होंने उसमें बहुत उपदेश दिया है। वही सॉलिटर जनरल ने कहा कि मैं बता दूं कि कई बार कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की जाती है, इसलिए हाई कोर्ट विस्तृत कारण बताता है। ऐसी टिप्पणियां थोड़ी हतोत्साहित करने वाली हो सकती है, जिसके बाद जस्टिस गवई ने कहा, हम जानते हैं कि टिप्पणियां मनोबल गिराने वाली हो सकती है, इसीलिए हम उन्हें लिखने में वक्त लेते हैं जब तक कि वह बहुत स्पष्ट ना हो। वहीं राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसजी केवल एक प्रोफार्मा पार्टी है, इस कोर्ट ने उन्हें समय दिया है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि अधिकतम सजा लगाने का कारण क्या था, अगर उन्हें 1 वर्ष 11 माह का समय दिया होता तो कोई अयोग्यता नहीं होती। फिलहाल राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने लिखा, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्य में उजाते, जय हिंद। कांग्रेस के तमाम नेता इसे नफरत पर मोहब्बत की जीत बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट कर खुशी जताई है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, ये न्याय की जीत है, जल्दी याचिका का फैसला भी राहुल जी के पक्ष में आएगा। राहुल गांधी जी की सजा पर वो न्याय की जीत है, इंसाफ हुआ है, पूरे देश की उम्मीदें माननीय उच्चतम न्यायालय से थी, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाया था और उन सवालों का परिणाम ये हुआ कि सरकार के पास जवाब नहीं था, उन्होंने आवाज दबाने की, जनता के मुद्दों को दबाने की पूरी कोशिश की, आज इंसाफ की जीत हुई है, हम निर्णय का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए शीघ्र ही सदस्यता बहाल करेंगे। देश को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है, भारत की संसद को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है, एक किसान, एक युवा, एक आम आदमी की उम्मीद राहुल गांधी है, आज न्याय की जीत। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूरेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।